हेलो, गुड इवनिंग सभी को। फिर से स्वागत है मेरा चैनल में, तुतु निकांगजू चैनल में। तो अभी गुड इवनिंग इसलिए कहा कि अभी शाम का वक्त है, तो हम लोग को क्योंकि आज शिवरात्रि है और आज तो बहुत मज़ेदार होने वाला है मेरे चैनल में, बहुत ही मज़ा होने वाला है। आप लोग लास्ट तक करे रहना वीडियो में। हम अकेला नहीं है आज, वैसे मेरा सर मेरा दोस्त है। एक्चुअली गाइस बहुत ठंडा भी है और हम दोनों ने आज क्या क्या लाया है मंदिर के लिए, दूध उसका अगरबत्ती सब कुछ वगैरह लाया है। तो वहाँ जाके हम लोग खाने वाले हैं गोट, क्या बोलते हैं उसको, वो चाय को गोटा। हाँ तो आज हम लोग गोटा खाने वाला है, वो पीने जा रहा है, वो नहीं पीगा हम पीगा। तो चलिए मेरे साथ मंदिर की ओर। आप लोग को गाइस पता है कि है कि कितना मज़ा होने वाला है। चलिए गाइस, सांस फूल की बात नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना नीचे से आया हम लोग। गाइस हम लोग शेरा बस्ती का मंदिर जाने वाला है और हम लोग शेरा बस्ती के अंदर घुस चुका है। शेरा बस्ती का वहाँ तो नहीं, शेरा बस्ती तक तो नहीं पहुँचेगा हम लोग, अभी आधा रास्ता ही तक। देखते रहना गाइस, गाइस देखते हैं मंदिर जाके। हम तो दिन को तो ऑफिस में था, टाइम नहीं मिला। तो वहाँ का रिएक्शन क्या हो कि बेटे आदमी लोग गोटा क्या गोटा खा के लुढ़क गया तूने, पागल हो गया तूने, जाके देखते हैं। तो चलिए शिव मंदिर को भी प्रणाम करते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ का लोकेशन दिखा देते हैं हम आपको, यहाँ का खूबसूरती जो नेचर के साथ साथ खूबसूरती जगह उसको भी दिखा देते हैं। चलिए गाइस, हम लोग पहुँचने वाला है मंदिर, तो भोलेनाथ के बहुत करीबी पहुंचने वाला है। और वैसे अभी जाके वहाँ अगरबत्ती लोग जलाएगा, उसके बाद आप लोग को यहाँ से एक्चुअली बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है, यहाँ से भी दिखा देते हैं आप लोग को। और वहाँ का वहाँ तो हमको एक आदमी दिखे नहीं दे रहे, तो मंदिर में चल रहे नहीं दिख रहे। हाँ ठीक है ठीक है, इस वो जो जल रहे वही है मंदिर, यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी रात हो चुका है। गाइस साइड हमको नहीं दिखा पाएगा, वहाँ अंधेरा बहुत है, तो फिर भी हम कोशिश करेगा कि भगवान का साथ आप लोग जुड़े रहे। पूरा रात हो के अंधेरा हो के दिखाई नहीं दे रहे, हम आज अलग से हीरो लग रहा था वैसे भी। कर लिया है हम लोग ने, हमने जैसे सोचा था वैसे तो नहीं है, वैसे लुढ़क फुलक इतनी भी रहे। तो अभी हम भी खा लेते हैं एकदम प्रसाद, और यहाँ प्रसाद रेडी है। ये क्या है, ये दूध ना चाय है, और ये है खिचड़ी। और तो प्रसाद ये अंकल ने बनाया है बोलते ना अंकल, खीर बनाया अंकल ने, खिचड़ी बनाया, और मेन प्रसाद ही जो नानी भाई बनाया, नानी भाई। और अभी हम लोग खिचड़ी के साथ साथ खाने वाले हैं कुछ मज़ेदार, तो परे रहना वीडियो के साथ। तो ये देखिए गाइस, एकदम ये पी के हाई टेस्ट हो, और ये देखिए खिचड़ी एकदम बहुत मजेदार बनाए, बहुत टेस्ट। खत्म हो गया है गाइस,
खाना बस चुकी है और हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं अपने घर की ओर। ज़्यादा भी नहीं पिया है हमने, एक गिलास ही मारा है, ज़्यादा मारेगा तो फिटिंग हो जाएगा, इसलिए एक ही गिलास पी की ट्राई किया है। और रास्ता है मेन दिखाई नहीं दे रहा ना, टॉर्च मार के वीडियो दिखाना पड़ रहा है, तो इसीलिए आज का ब्लॉग इतना ही होगा। थैंक्स।